आदाब सलाम, आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली जो जवान खून यहाँ पर बैठा है, देख के लग रहा है कि इस देश का जो फ्यूचर है इतना बुरा नहीं है जितना हम लोगों को लगता है अपने घरों में बैठे। बहुत खुशी हुई क्योंकि हिंदी में इस किताब का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अंग्रेज़ी में और कई 12 और जबानों में ये किताब आ चुकी है, लेकिन इस मुल्क का हिंदी जो पॉपुलेशन है, हिंदी बेल्ट जो है, वो उसके लिए किताब बहुत ज़रूरी थी, हमारी मातृभाषा। इसमें मुझे बहुत कुड़न हो रही थी अंदर से, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी मेरे अंदर कि ये किताब अब तक हिंदी में नहीं आई है। पिछले साल मई में 2016 में इस किताब का लॉन्च हुआ और आज लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की सरकार का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अब तक ना उन्होंने मेरे पर कोई डेफेमेशन किया, ना मुझे मेरी इस किताब को बैन किया, ना इंजंक्शन लगाया। तो बहुत बड़ा दिन है इस सरकार का और हर उस अफसर का जिसका इसमें स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। आज 1.25 साल हो गए हैं और आज तक किसी अफसर ने मेरे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इस किताब में जो कुछ लिखा है या गलत लिखा है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी बहुत बड़ा दिल है कि वो मुझे जेल नहीं ले गए। और 1.25 साल हो गया है और SIT जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, उन्होंने भी हमें अप्रोच नहीं किया है। उन्होंने हमें किताब को कई लैंग्वेजेस में पब्लिश करने दिया है, उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आज कई सारे लोगों को शुक्रिया अदा करने का दिन है क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत हम इतनी सारी लैंग्वेजेस छाप रहे हैं। गुजरात फाइल्स, ये किताब 1.25 साल हो गए आके, इस किताब के बारे में लगभग मैं 500 इवेंट कर चुकी हूँ मुल्क में, मुल्क के बाहर। तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक ही बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ और यहाँ पे लोग हैं जो शायद उस चीज़ के, उससे ज़्यादा जो बड़े इशू है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक किताब कभी थी नहीं, ये एक ना मुझे कभी किताब लिखने का शौक था, ये एक जर्नलिस्टिक एफर्ट था। एक 2010 में मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अमित शाह जो जेल गए हैं, उसके बाद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत लगी कि मैं अंडर कवर जाऊँ और कुछ सच्चाई है, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आई थी उनको बाहर ले आऊँ। तो 2010 के आसपास मैंने एक हिंदू RSS प्रचारक की बेटी का मैंने एक आइडेंटिटी अज्यूम की, जिसका नाम मैथिली त्यागी रखा मैंने, और जो अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट कॉन्जर्वेटरी का हिस्सा थी। और अपने अपने साथ मैंने 2 ऐसे लोगों को रख लिया जिनको फेक अमेरिकन एक्सेंट आता है। अभी तो फेक अमेरिकन एक्सेंट ऐसी चीज़ें जो आप गुजरात में लेके जाइए तो लोग आपको चारों हाथ पाँव से आपका स्वागत कर लेते हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये इस चीज़ को लेकर इन सब तैयारियों के साथ मैं गुजरात गई, अपने कुर्ते में कैमरा लगाया, अपने जूतों में कैमरा लगाया, अपनी किताब में कैमरा लगाया, डायरी में और कई सारी जगह पर। और उसके बाद मैंने 8 महीने में गुजरात में रहकर वहाँ के सबसे जो आला अधिकारी हैं, गुजरात के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, अमित शाह, उन तक पहुँची, आखिर जो थे मोदी तक पहुँची। उसके बाद तहलका जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसने मुझे वापस बुला लिया। उस 8 महीने के दौरान मैथिली त्यागी बनकर मैंने इस किताब में, एक तो मैं उनके घर का हिस्सा बन गई थी, उन्हीं की ज़िंदगी जीने लगी थी मैं। शुरुआत में जब मैं गुजरात गई तो गुजरात के फिल्म मेकर जो हैं उनके साथ आइटम नंबर शूट किए कई सारे मैंने, और उन्हीं की सोसाइटी का हिस्सा बन गई। और उस सोसाइटी में एंट्रेंच होकर, उस सोसाइटी का हिस्सा बनकर मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। इसे लेकर फिर मैं तहलका आई, जिसके बाद उन्होंने तहलका ने इसे छापने से मना कर दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के, मुझे लगता है जितने एडिटर दोस्त हैं मेरे, उन सब के पास गई और उन सब का यही मेरे लिए एक सजेशन था कि 2014 आ रहे हैं, मोदी पावर में आ रहे हैं और इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जितने जब भी किताब का लॉन्च हुआ था, हिंदुस्तान के सारे एडिटर्स जो थे, मेरे जितने दोस्त थे, उन सब ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि बहुत बहादुरी का काम किया। वो अलग बात है, किसी ने अपनी किताब ने अपनी पब्लिकेशन में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया, ऐसे प्रिटेंड किया ऐसी किताब एग्जिस्ट नहीं करती है। खैर मैं ये उनके ज़मीर पर ज़मीर की बात कहती हूँ, ये उनके ज़मीर पर छोड़ देती हूँ। शायद वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल हिंदुस्तान के जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो सब कंसल्टेंट बन गए हैं या अपने अपनी पर्सनल अपने वेबसाइट्स खोल लिए। बहुत कम लोग हैं जो पावर में रहकर, जो इस पोजीशन में रहकर सच्चाई बोल पा रहे हैं। रवीश यहाँ पर हैं, मुझे लगता है कभी कभार हम रवीश पर बहुत ज़रा बोझ डाल देते हैं कि ये है, ये करेंगे, ये सब करेंगे। कभी कभार लगता है, नहीं मुझे लगता है कि हमें रवीश पर, हम हमेशा कहते हैं ना कि रवीश कर लेंगे, रवीश कर लेंगे। मुझे लगता है हमने बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया इनके ऊपर कि हमने अपनी जिम्मेदारी इनके सर पर डाल दी कि ये तो बोल ही लेंगे 9 बजे प्राइम टाइम में, तो हम क्या करेंगे, हम और आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके तालियाँ तो नहीं बजा सकते। अब वही तो कर रहे हैं। खैर हम ये किताब जो है इसको मैं पिछले 1 साल से पागलों की तरह हर जगह लेके ढो रही हूँ, अपने साथ घूम रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ।
ताकि मैं शायद आपके जमीर तक इस बात को पहुंचा पाऊं कि जिस जिन लोगों को आपने आज पावर में बिठाया है उनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ एक सहाफी के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरा काम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जिस तरह बना दिया गया है कि मैं एंटी मोदी हूँ, एंटी अमित शाह हूँ। नहीं, मैंने अमित शाह को गुंडा इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो इंसान है, एक्सटॉर्शनिस्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एक्सटॉर्शनिस्ट का सीधा सीधा हिंदी शब्द होता है गुंडा, तो मैंने उनको गुंडा कहा, जिससे मुझे कोई शर्म नहीं आती इसे कहने में। और ना मैं, और ना मुझे कोई नौकरी बचाने का डर है, ना मुझे किसी एडिटर का डर है, तो मैं कुछ चीज़ों को कह सकती हूँ जो शायद मेरे कलीग नहीं कह सकते हैं। कई कलीग्स मुझसे ये कहते हैं कि तुम यू आर इन अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज, तुम्हें कोई नौकरी नहीं बचानी है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे लोन नहीं है देने के लिए। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि अगर लोन के लिए आए थे या नौकरी बचाने के लिए आए थे या पैसे कमाने के लिए आए थे, जर्नलिज्म में क्यों आए, फिर कुछ और कर लेते। तो शायद कुछ लोग हमें संकी भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये सफ़र जो है इस किताब का, मैं आपको मैं यकीन दिला सकती हूँ कि यहीं पर नहीं ख़त्म होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं रोज़ देखती हूँ, जिनके बारे में रवीश के मेरे पास बड़े वीडियो आते रहते हैं, देखो एक बहादुर जर्नलिस्ट, कभी कभार चिड़ भी हो जाती है देखकर कि ये बहादुरी जो आप लोग हमको बहादुर कहते हैं ना, हमारे कंधे में बंदूक रखे चलाते हैं, तो हमका बहादुर कहना बंद कर दीजिए। पहले खुद बहादुर बनिए, हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं। हम अपनी ज़मीर को जवाब देने के लिए जो काम कर रहे हैं कर रहे हैं, आगे आपके ज़मीर की आपको लड़ाई खुद लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे की भाषा बताएंगे कैसे किया जाए ये सब। शुक्रिया।